आज हम बात करेंगे Amazon की, नहीं वो शॉपिंग वेबसाइट नहीं, हम बात करेंगे उस Amazon की जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वो Amazon जिसे हमारे प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है। आइए जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से Amazon रेन फॉरेस्ट खबरों में क्यों बना हुआ है। दरअसल Amazon जल रहा है, दो या तीन दिन से नहीं बल्कि तीन हफ्तों से दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जल रहा है और वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आप खुद सोचिए कि इसका एनवायरनमेंट पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा होगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए नासा की रिलीज की हुई ये फोटो और वीडियो। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर की वजह से जंगल से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जानलेवा गैस है। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेनी पड़े तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के केस में 5 मिनट में ही इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि ये गैस आपके बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो को रोकती है। घरों में भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर के जैसे काम कर सकती है और अब ये गैस भारी मात्रा में Amazon के जंगल से निकल रही है। इस साल ही लगभग 73,000 बार वहाँ आग लग चुकी है। जी सही सुना आपने, 73,000 बार। बार बार आग लगने का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि लापरवाही है। Amazon का सबसे बड़ा हिस्सा है ब्राज़ील में, जहाँ की सरकार को फिलहाल एनवायरनमेंट की कोई फिक्र नहीं। कहा जा रहा है कि पहले की ब्राज़ील की सरकारों ने Amazon रेन फॉरेस्ट को बचाए रखने के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई थी वो अब बदली जा रही हैं। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने पॉलिसीज में जो बदलाव किए हैं उसकी वजह से लोकल्स में वातावरण के खिलाफ एक गलत एटीट्यूड बन रहा है। वहाँ के फार्मर्स अब बहुत लापरवाही से अपनी फसल जला रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बार आग लग जा रही है। पॉलिसीज में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, इनफैक्ट बढ़ रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि Amazon को हमारे प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से हमारे एनवायरनमेंट का कम से कम 20% ऑक्सीजन निकलता है। वहाँ लगे पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, जिसका प्रभाव सिर्फ आसपास के मौसम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस आग के जलते रहने से न सिर्फ ऑक्सीजन कम होगी पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी लीथल गैस भी फैलेगी, साथ ही साथ एयर क्वालिटी पर भी असर होगा। इसी को मद्देनजर रखते G7 यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्राज़ील की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। G7 ने ब्राज़ील को $20 मिलियन की मदद देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक देश का ही नहीं पूरी दुनिया का है। लेकिन लग रहा है कि बात अब उनके ईगो पर आ गई है, क्योंकि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने मदद को ठुकरा दिया है। मानो कह रहे हो कि तुम अपना देश संभालो, हम अपना संभाल लेंगे। लेकिन शुक्र इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने 44,000 मिलिट्री ट्रूप्स को आग बुझाने के काम में लगा दिया है। पर सवाल अब भी उठेगा कि कब तक हमारा एनवायरनमेंट और प्लैनेट हमारी आपसी लापरवाही और घमंड का नुकसान उठाता रहेगा। क्या एनवायरनमेंट सुधारने के बजाय हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही करते रहेंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।